इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। भारतीय टीम में कप्तान विराट कोहली की वापसी के साथ ही ईशान शर्मा और हार्दिक पांड्या को भी शामिल किया गया है। भारतीय टीम में 18 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं और 4 स्टैंड बॉय खिलाड़ी भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाली टीम के कुछ सदस्यों को जगह नहीं मिली है, जिसमें नवदीप सैनी, रविंद्र जडेजा और टी नटराजन को जगह नहीं मिली है। पृथ्वी शॉ को भी खराब प्रदर्शन के बाद बाहर का रास्ता दिखाया गया है। चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय चयन समिति ने पहली बार भारतीय टीम का चयन किया। भारतीय टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अचिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रितिमान शाह, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, ईशान शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, आर अश्विन, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। वही स्टैंड बॉय खिलाड़ी केएस भारत, अभिमन्यु ज्वारन, शहबाज नदीम और राहुल चहर को स्टैंड बॉय खिलाड़ी में शामिल किया गया है। इंग्लैंड की टीम इस समय श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेल रही है और वहां 2 मैचों की सीरीज में पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम जीत चुकी है। अगला टेस्ट मैच खेलने के बाद इंग्लैंड की टीम वहां से भारत के लिए उड़ान भरेगी। भारत में सबसे पहले इंग्लैंड की टीम चेन्नई में आएगी और वहां से पहले टेस्ट के साथ ही दौरे की शुरुआत हो जाएगी। भारत दौरे पर इंग्लैंड की टीम पहले 2 टेस्ट मैच चेन्नई में MS चिदंबरम स्टेडियम में खेलेगी। इसके बाद तीसरा और चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद के नए मोटेरे स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला टेस्ट मैच 5 फरवरी से शुरू होगा और दूसरा टेस्ट मैच 13 फरवरी से शुरू होगा। फिलहाल 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम का ऐलान किया गया है, बाकी 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम का ऐलान बाद में होगा। दोस्तों, आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।